जा रहे हो? क्वेश्चन कर सकते हो? आगे यार मैं पेट्रोल भरा नहीं भूल गया यार, चलो थैंक यू। उसके समझाना शाला मत बन जाता अभी, जा बुला किसको बुलाया जा, हटू साला। लास्ट 20 मिनट से बैठ के मैं ये सोच रहा हूँ कि उसको फिक्स कैसा करूँ। देखो ये कैसा होता है, टर्न करेंगे तो ये यहाँ पे ऐसा लॉक हो रहा है, तो ये क्लियर विजन मतलब टेढ़ा हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं इस पर यूज़ करने जा रहा हूँ इसको, तो फिर ये मोबाइल का जो होल्डर है यहाँ से नीचे आ रहा है, और जो कि मोबाइल दिख भी नहीं रहा, स्ट्रेट रिकॉर्डिंग भी नहीं हो रहा है। देखते भी लगता वो कैमरे से करना पड़ेगा छोटे वाले, बट सर क्वालिटी नहीं आती है। सोचा एक बार मोबाइल से कर देंगे तो शायद क्वालिटी इम्प्रूव हो जाए, देखते हैं ना। तो फिर मेरा एक छोटा आईफोन ऐसी है, उसका कुछ यहाँ पे जुगाड़ करना पड़ेगा, उससे फिर बराबर होगा। कोई नहीं, फिर आ गए अपने बैक टू ओल्ड स्कूल मेथड पे, वही खासे पकड़ के कर रहे हैं। लेकिन जल्द से जल्द का जुगाड़ करता हूँ कुछ यार, मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ बट मैं कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं मोस्टली हाथ से कर देता हूँ। बट अभी हेलमेट का भी कुछ करूँगा, उससे कैसा ना आपको विजन है ना सामने का एकदम नीट एंड क्लीन दिखेगा। करता हूँ जल्द से जल्द जुगाड़ अभी इसका, भगवान जाने कब ये पैच बनाएंगे यार लोग। देखो ना यार, ऑलमोस्ट एक दो सालों ने पूरी गाड़ी हिल जा रही, मोबाइल हिल जा रहा पकड़ने में, बस इतना एक डेढ़ साल ने बस ये लोगों ने खाली है, इतने ही रोड ये लोग ने बनाया, बस और कुछ नहीं बनाया, पूरी रोड के ऐसी माँ बहन करके रखे ये लोग ने। तो आप में से बहुत लोग ने नया न्यूज़ सुना कि नहीं? नहीं सुना है, अगर सुना है तो भी ठीक है, नहीं सुना तो मैं बता दूँ। नितिन गडकरी साहब बोल रहे थे कि अगर आप नो पार्किंग में गाड़ी लगाते हो और अगर कोई उसको फ़ोटो खींच के फाइन के लिए पुलिस को भेजेगा, तो उस 1000 रुपये के फाइन में से 500 रुपये उसको रिवॉर्ड मिलेगा। वाह मोदी जी, वाह 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 मोदी। मतलब हद होती है यार, मतलब ये हो गया कि ये भी एक कमाई का जरिया बन जाएगा। जैसे भी किसी का पैसा नहीं है, या तो फिर वो ज़बरदस्ती किसी गाड़ी का बार बार नो पार्किंग का फाइन लेगा, उसको फ़ोटो भेजते रहेगा। मतलब क्या सोच के रूल बना है मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूँ। चलो भाई जल्द से जल्द ओवरटेक करो आंटी को, बैक टू द पॉइंट। डबल हेलमेट तो आप देख ही रहे हो मेरे सामने, देखो कैसे सब डबल हेलमेट लगा के चल रहे हैं, उसका कोई इशू नहीं है, हम डबल हेलमेट लगाने को रेडी। आप बिना खड्डे का रोड हमको दे दो, नहीं होगा, बिना खड्डे का रोड मिलेगा ही नहीं। तुम्हारा रूल हम लागू करते रहो और हम मानते रहे, बट आप लोग कोई ऐसा मत करो जो आम पब्लिक के लिए हो, नहीं होने वाला वो चीज़ कभी। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। जिंदगी खराब मेरी, मैं पेट्रोल नहीं डाला, मैं फंस Somebody fucking fix this mic। आऊंगा भाई इधर बहुत गंदा फंसूंगा मैं, क्योंकि इधर दूर दूर तक पेट्रोल पंप नहीं है, मैं पेट्रोल डालना भूल गया यार। प्लीज गाड़ी यार पंप तक चले जा, लेकिन गाड़ी की हिचकी देख के नहीं लग रही कि मुझे पंप तक जाने वाली है ये गाड़ी, मेरे वांदे हो जाएंगे यार। शेड शेड, एक छोटी सी गलती भारी पड़ जाएगी। देखता हूँ टाकी हिला के पेट्रोल है कि नहीं पहले इसके अंदर। बहुत गंदा फंस गया दोस्त, पेट्रोल ही नहीं है गाड़ी को, जंगल के बीच में कौन धक्का मारेगा। देख मैं साला हाईवे पे रुक रुक के यू टर्न मार मार के, मैं अदर रोड पे भी तो दूसरे रोड पे आके लोगों को धक्का दे देता था, टोचन दे देता था, असला मैं फंसा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा यार। यार इंसानियत है कि नहीं यार किसी में, देखते अन्ना तो पेट्रोल का जुगाड़ हो गया यहाँ पे। पेट्रोल यार भराना भूल गया, घाई घाई में निकल गया, इधर आके खत्म हो गया यार। तो गाड़ी खड़ा करके बॉटल लेके जाओ फिर, ऐसा फिर और कोई रास्ता नहीं, कोई अगर गाड़ी खड़ा करो कोई देता नहीं तो कोई देगा भी नहीं, तो टोचन भी कर देगा हाईवे तक, तो मैं भरा लूंगा। गोरगांव तक जा रहे हो क्या? गोरेगांव तक जा रहे हो? हाँ। टोचन कर सकते हो? टोचन नहीं। आप बैठोगे मैं मारूं? मेरा पेट्रोल टोटल डेड हो गया है। टोटल डेड? हाँ यार मैं ध्यान नहीं था एक्चुअली, खाई गया मैं वीडियो बनाते बनाते आ गया और मैं पेट्रोल भरा नहीं भूल गया यार। ये लो मेरे, अरे यार मेरे दूसरे गाड़ी में था बॉटल और ये। नहीं नहीं चले आप, वो भाई नहीं आप पाइप नहीं है, बॉटल तो चलो जुगाड़ हो जाएगा, देखो उधर सामने ही उतना बॉटल का टेंशन नहीं है। पाइप यार मेरे दूसरे गाड़ी में जिससे मैं रोज का। चलो कोई ना बैठो ना, मैं टोचन दे देता हूँ, ठीक है। चलो भाई कोई तो मिला, स्टैंड ले लो ऊपर।
सारे में इधर पहुंचा ना, मेरे को लगा रहेगा शायद आगे हाईवे तक भरा लूंगा, लेकिन इधर आते आते टोटली डेड हो गया गाड़ी पूरा। किधर अंदर है गैरेज बंद है? चल दो चल दो। आपको किधर जाना है गोरेगांव में? अभी ये एक्टिवा 6G 2022 में मुझको लग रहा है यार, क्या स्पीड थी यार, एकदम मस्त यार, बट ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं एक्टिवा चला रहा हूँ, इतना साइलेंट है और पावर तो बिल्कुल है। मैं सोचा अंडर एस्टिमेट कर रहा था कि बाइक जितना ले रही है, बस खाली नाम के लिए सीख लिया, बस रियल में पावर है इस गाड़ी का, मानना पड़ेगा। ऑलमोस्ट गोरेगांव तक मुझे हेल्प मिल गया, ये भाई भी गोरेगांव जा रहे थे, बोले चलो हम आपको दिल्ली तक चाह रहे थे, आप मेरी गाड़ी भी बैठ जाओ हो जाएगा। चलो ले लो, अब मैं जाता हूँ यहाँ से, आप ले लो यहाँ से, मैं जाता हूँ आगे, इतना भी आ गया बस हो गया दोस्त। चल दोस्त, थैंक यू सो मच। मेरा चैनल है यूट्यूब पे एवरीडे मुंबई, हाँ विदाउट एनी स्पेस एवरीडे मुंबई, चेक करना, कर डालूंगा वीडियो। चल बोल, थैंक यू। बारिश भी आ रही है यार, ये भगवान क्या जुलूम है, क्या सीन है यार, फटाफट जाकर बंद कर वरना रास्ते में खड़े रह जाना पड़ जाएगा, बारिश आ गई तो क्या हमारा भी निकल के बैग में डालना पड़ेगा। वर्कआउट हो जाएगा। इंडियन ऑयल आ गए भाई, पहुंच गए। ये पंपकन है कि फालतू दे दिए ब्रेंच, वही आदमी पैसा भर रहा है, वही आदमी पेट्रोल ले रहा है, आदमी भी एक रखता नहीं यार, वही कार्ड मार रहा है, वही भर रहा है ब्रेंच, छूटी है साले। वो जितना कार्ड मारो उतने में गाड़ी आगे बढ़ जाएगी यार, उधर इतने आदमी खड़े भेंट तो लेने का ना एक आदमी उधर। दो आ जाओ, उतना ही बोलना जितना अच्छा लगता है। आप रुकना मत, जाओ आप, रुको मत इधर, जो लगा रहे उससे बात कर समझा, जो लगाया उससे बात कर समझा ना, शाला मत बन जाता अभी। हाँ ये लो तुम्हारा कर दिया, इधर रुको मत, जाओ चल खड़े रहेगा, जा जा बुला, किसको बुलाया, जा भाई क्या बोला, एक आदमी ने खाली कार्ड काटने के लिए तो शाला बन के बात कर रहे क्या, हटू साला, वो कैसा बात कर रहे, मैं क्या बोला, खाली कार्ड मारने के लिए दूसरा आदमी रखो ना यार, गाड़ी बढ़ेगी ना आगे फटाफट। तुम लोगों क्या, तुम्हारा पगार चालू, तुम बैठे आराम से, तो एक बार नहीं 10 बार का देखे लाई झाटू पंप का। तभी जाके धूप आया है, लास्ट एक घंटे से तो बारिश ही थी, अभी देखते हैं आगे बारिश है कि नहीं, यहाँ तो फिलहाल नहीं है बारिश। एक्चुअली लास्ट वीडियो में आपने जो देखा पंप वाले से मेरा बहस हो रहा था, वो बहस का रीज़न सिर्फ कुछ ही नहीं था, एक छोटा सा था, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक्चुअली हुआ क्यों। मेरा तो पेट्रोल ऑलरेडी ख़त्म था, मैं धक्का मार के धक्का रह गया था, तो मेरे पीछे भी एक बंदा खड़ा था, उसको काफ़ी लेट हो रहा था क्योंकि कुछ बोल नहीं रहा था। इस पंप पे मैं एक बार पहले भी आ चुका हूँ एक्चुअली। यहाँ पे लोग करते क्या है ना, जो आदमी पैसा पेट्रोल भरते रहेगा वही पैसा भरेगा, वही पैसा मशीन चलाएगा, वही कैश लेगा, वही पेटीएम देगा, तो उससे कहता था टाइम वेस्ट होता है। अभी तुमने टैंक फुल कराया, फिर वो कार्ड स्वाइप मारेगा, कार्ड स्वाइप मारने वाला डिक्लाइन होगा तो फिर से कार्ड डाले, फिर से उसके बीच में टाइम खराब होता है। मैंने सिर्फ उसको इतना ही बोला कि भाई तू एक काम कर, दूसरा आदमी रखना, वो अपना कार्ड स्वाइप वगैरह मारते रहे और तू आगे पेट्रोल भरते रहे, किसी को लेट नहीं होगा।
फिर वो बंदा मेरे को बोलता है, अरे वो है ना पैसा लेना, मतलब भाई वो अब भी आया और वो भी फ़ोन पे बात कर रहा है, ले रहा ये है ना, तुम इतने आदमी लोग खड़े हो, एक आदमी यहाँ पे मैंने दे ना करने के लिए, वो मेरे को बोलता सब भर के खड़े, तुमको ज़्यादा घाइएगा, अरे घाई है तभी तो तेरे को बोल रहा है मैं, वो फालतू का आर्गूमेंट करने लगा। उसको पहले लगा मेरा कैमरा ऑफ है, जैसे मैं कैमरा ऑन किया तो उसका और आवाज़ तेज़ हो रहा, वो सोचता मैं हीरो बनूंगा, रुक बेटा तेरे को बताता हूँ, अभी जब चढ़ना चालू किया तो मुँह बंद हो गया। फिर जब थोड़ी बारिश हुई, उसने पेट्रोल भरा, मैं मेरा गाड़ी वीड़ी बंद करके थोड़ा आगे आया, जब मैंने मेरा कैमरा बंद करके बैग में रखा तो उतने में उसका मैनेजर आया, फिर उसको कह लगा मैं कैमरा चालू कर रहा हूँ, फिर वो आया अपनी तरफ से सॉरी बोला, बोलता सॉरी यार सब खड़े इतना भीड़ था इसके लिए, माला जानते चलो इस चीज़ के लिए क्या कैमरा ऑन करके वापस से बोलना, मैं कुछ बोला नहीं उसको, बोला ठीक है भाई देख मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, बस ध्यान देना तेरे आदमी को, ऐसा बात करते हैं लोग, गलत तरीका है ना बात करने। ऑटो में एक बंदा बैठा है, दिखा रहा भाई मुझे भी वीडियो में लो, मैं बोला चालू है दोस्त टेंशन मत ले, अभी तो मोबाइल में कहता क्लियर दिखता है, अभी तुमको भी लोगों तो प्रॉपर नीट एंड क्लीन दिखोगे, ठीक है, और इसमें ना थोड़ा ब्लर होता है, थोड़ा चलते चलते गाड़ी में सब्सक्राइबर ही मैंने बढ़ा लिया, अंकल आप भी कर देना। झगड़ा करने का दिल तो होता नहीं है, लेकिन लोग ऐसे मिल जाते हैं ना कि यार दिमाग आउट कर देते हैं यार लोग, एक तो इसी दिमाग आउट रहता है और ख़राब करते दिमाग, इसलिए हो जाता है झगड़ा, ऐसा ना करे झगड़ा तो ही अच्छा है यार, वैसे वो भी दिन भर पंप पे रहते हैं अपना काम करते, हम लोग को भी काम पे जाना है सब, चलो होते रहते हैं। मस्त धूप आ गया ऊपर अभी, ये धूप इतनी अच्छी कि गर्म भी नहीं लग रहा है धूप में, अभी मेरा कपड़ा इतना सूख तो जाएगा कम से कम ऑफिस जाने तक। अरे मैं भोसले पे देखो, अब ये भोसले पे नहीं मोस्टली इसी फ्लायर पे जो बना है मेट्रो शेड पे, ये ज़रूर लिखा हुआ मिलेगा आपको, रहेगा अरे तभी बचेंगे सारे, फिर मेट्रो कार शेड गो बैक, वहाँ पे देखो ज़मीन जा रही है, और आगे एक तो है दिखाता आपको एक मेट्रो का, आदित्य क्या हुआ तेरा वादा, सुबह जहाँ से वीडियो चालू किए थे वापस वहीं पे आ गए, एक्चुअली मेरा सेकंड काम भी मेरा इधर के मिला अर्जेंट में मेरे को, तो काम तो फिलहाल हो गया, अभी मैं चला टूवर्ड्स अपने घर के तरफ, वही रोड है वही रास्ता है, क्या वापस कैमरे में दिख, चलो फिर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, बाकी हो सके तो वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करो जित, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर देना, वहाँ पर कैसे ना मैं छोटे छोटे रील्स बना के वहाँ पर डालता हूँ, जो कि यूट्यूब पर नहीं डाल सकता, कॉपीराइट क्लेम आता है, उसको बना के मैं इंस्टाग्राम पे डालता हूँ, आपको वीडियो अच्छे भी लगेंगे छोटे छोटे, तो आप मैं इंस्टा हैंडल आपके यहाँ डिस्प्ले में दिखता होगा, आप जरूर से फॉलो करना, आपको वहाँ लाइक करो फॉलो करो, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, लाइक ठोकी दबा के।